साथ भोजन करने वालों में किसी ने ये सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वो जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर ये सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा।